वीडियो पर पहले यहाँ पे आपका व्यू आता है या फिर कह सकते हो कि इंप्रेशन आता है। देखिए बहुत से क्रिएटर हैं यार, अभी मैं रिसेंटली क्रिएटर से बात हो रही थी तो उसने मुझसे ये कहा कि भाई हमारे वीडियो पर व्यू नहीं आते तो इंप्रेशन कहाँ से आ जाएगा। तो फ्रेंड मुझे बड़ा ऑकवर्ड लगा कि यार आखिरकार हम लोग इसी चीज़ में अभी तक कन्फ्यूजन है कि पहले हमारे यूट्यूब चैनल पर जो हमारे क्रिएटर्स हैं उनको यही पता नहीं है कि पहले इंप्रेशन आता है या व्यू आता है। तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ मेरे दोस्त कि पहले आपके चैनल पर इंप्रेशन आता है या व्यू आता है और आपके चैनल के लिए क्या मायने सबसे ज़्यादा रखता है, इंप्रेशन या व्यू। तो आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने वाली है, बहुत नॉलेजफुल होने वाली है। बस मेरी आपसे छोटी सी गुजारिश है, अगर आपने अभी तक अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरीके के नॉलेजफुल कंटेंट आप सभी के साथ शेयर करता रहता हूं। चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड यहां पे सबसे पहले बात करते हैं कि इंप्रेशन, इंप्रेशन होता क्या है। देखिए इंप्रेशन का मतलब होता है रीच, यानी कह सकते हो कि एक पर्टिकुलर रीच जो कि उस पर्टिकुलर वीडियो के लिए यूट्यूब या वो कोई भी प्लेटफॉर्म, जैसे मान लीजिए आपका फेसबुक हुआ, आपका यूट्यूब हुआ, आपका इंस्टाग्राम हुआ, कोई भी प्लेटफॉर्म हुआ, इन द सेंस वो आपके उस पर्टिकुलर कंटेंट को लोगों तक पहुंचा रहा है, यानी कह सकते हो कि वो सजेस्ट कर रहा है, वो रिकमेंड कर रहा है, या कह सकते हो कि वो प्रॉपर वे में आपको किसी भी प्रकार से यहाँ पे आपको पहुंचा रहा है। अगर कोई भी कंटेंट आप तक किसी भी प्रकार से पहुंच रहा है तो उसको कह सकते हैं हम लोग रीच या इंप्रेशन। देखिए अब यहाँ पे एक कंडीशन ये भी होती है कि जो हमको रीच मिलती है वो प्रॉपर वे में से अगर ऑर्गेनिक मिल रही है, तो ऑर्गेनिक वे में अगर आपको पसंद आ रहा है वो कंटेंट और अगर आप उसको देख रहे हो तो रीच के बाद ही, इंप्रेशन के बाद ही आपको व्यू मिलता है। कह सकते हो मेरे दोस्त कि आपकी वीडियोज पर इंप्रेशन पहले आता है तब जाके व्यू आता है। अब देखिए यहाँ पे मोटी मोटी भाषा समझिए, इस चीज को लेकर मेरी उससे काफी ज्यादा बहस हुई। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि जब भी हम कोई भी वीडियो को देखते हैं, यानी कह सकते हो कि हम कोई वीडियो अभी देख रहे हैं, जैसे आप लोग भी मेरी वीडियो देख रहे हो, और कुछ समय बाद होगा क्या कि जब आप दोबारा से यूट्यूब पर आओगे तो मेरे चैनल की आपको और दूसरी वीडियो भी शो होंगी। फ्रेंड वो इसलिए क्योंकि आपको और मेरी वीडियोज जो है यूट्यूब आपको इंप्रेशन में देगा, यानी कह सकते हो कि आपको रीच देगा, यानी कह सकते हो कि आप तक पहुंचाएगा। तो फ्रेंड आपने वीडियो देखी नहीं है लेकिन आप तक क्या हो रही है, वीडियो पहुंच रही है, यानी रीच पहले दे रहा है। सिंपल मैं अपनी भाषा में कहें तो YouTube जो है आपको रीच पहले दे रहा है, पहले इंप्रेशन दे रहा है, उसके बाद ही आपको व्यू मिलता है। कह सकते हो कि जैसे मान लीजिए अगर आपके चैनल पर 50 लोगों तक वीडियो पहुंचा रहा है YouTube, किसी प्रकार से लोगों तक पहुंचा रहा है, 50-100 लोगों तक पहुंचा रहा है, तो उसमें से मुश्किल से 8 या 10 लोग ही देखते हैं। फ्रेंड आपको पता होना चाहिए रीच सबसे ज्यादा होती है, आप अभी अपने चैनल का एनालिटिक्स में जाकर देख लीजिए, रीच सबसे ज्यादा होती है। कह सकते हो कि आपकी वीडियो को यूट्यूब चैनल सबसे ज्यादा लोगों तक पहुंचाता है, तभी जाके उसमें से कुछ लोग आपके चैनल को देखते हैं, कह सकते हो कि आपके चैनल की वीडियो को देखते हैं। जब आपके चैनल की वीडियो को देखी जाएगी तो वो व्यू में आ जाएगा और आपकी वीडियो को जो पहुंचाई जाएगी वो इंप्रेशन और रीच में आता है। तो फ्रेंड बगैर पहुंचाए और बगैर वीडियो को पाए आप वीडियो देख नहीं सकते, सीधी सीधी बात है। तो इस तरीके से कह सकते हैं मेरे दोस्त कि आपके जो चैनल है, आपका जो क्राइटेरिया है, आपका जो प्लेटफॉर्म है, आपकी जो वीडियो है, पहले यूट्यूब हो या कोई प्लेटफॉर्म हो उस पर इंप्रेशन देता है, अपनी भाषा में कहें रीच देता है, नहीं कह सकते हो लोगों तक पहुंचाता है, तभी जाके व्यू आता है। नहीं कह सकते हो कि इंप्रेशन बहुत ज्यादा मायने रखता है आपकी वीडियो के लिए। अगर आपकी वीडियोस पर अच्छे खासे इंप्रेशन दे रहा है यूट्यूब या फिर कह सकते हो कोई भी प्लेटफॉर्म अच्छे खासे इंप्रेशन दे रहा है, अच्छी खासी रीच दे रहा है, तो उसमें से आपको अच्छे खासे व्यूज तो आएंगे ही आएंगे। यहाँ पे थोड़ा सा अंतर ये हो जाता है कि आपका जो इंप्रेशन होता है वो कभी भी व्यूज से कम नहीं हो सकता है, ये आप लिख कर ले लीजिए कैसे भी ले लीजिए। आपका जो इंप्रेशन होगा, जो रीच होगा, हमेशा आपके व्यूज से ज्यादा ही होगा और व्यूज जो होते हैं हमेशा आपके इंप्रेशन से ज्यादा नहीं होंगे। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए कि आखिरकार जो मेन पॉइंट है, मेन फंडा है यहाँ पे, वो इस प्रकार है कि यहाँ पे जो रीच और इंप्रेशन होता है आपके चैनल पर वो पहले आता है, उसके बाद ही आपका व्यू काउंट होता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे यार ये तो बहुत छोटी सी बात बताए हो, इसमें तो कुछ बड़ा लॉजिक था ही नहीं। तो मेरे दोस्त मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि इस चीज़ को लेकर अभी भी बहुत से लोग हैं जो कन्फ्यूजन में थे, बहुत से मेरे भाई बहन क्रिएटर्स हैं जो कन्फ्यूजन में थे, आज मैंने उनके कन्फ्यूजन को दूर कर दी। तो फ्रेंड आज की वीडियो आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। थैंक यू सो मच।